जी बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जय हिंद। मेरा नाम कीपा मीप है। जय हिंद। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ सर। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और इन चुनाव में फर्स्ट टाइम वोट डालने वाली हूँ। सो आपको मैं ये पूछना चाहती थी कि आपके अगले 5 वर्षों के लिए एजेंडा क्या है आपका, और मैं भाजपा को वोट क्यों दूं? अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, वहाँ देशभक्ति इतनी लबालब भरी हुई है कि आप वहाँ के नागरिकों को मिलेंगे तो आपको वो ग्रीट करते हैं जय हिंद से। जय हिंद बोल करके आपका जैसे हम नमस्ते बोलते हैं या राम राम बोलते हैं, वो जय हिंद बोलते हैं। ऐसी देशभक्ति से भरा हुआ एक प्रदेश है, और आप वहाँ जाएंगे तो प्रकृति तो है ही है, लेकिन वहाँ के लोग भी इतने प्राणवान हैं। और मुझे खुशी है, मैं कल ही अरुणाचल प्रदेश में था और आज मुझे इस वीडियो के माध्यम से भी अरुणाचल प्रदेश को से बात करने का मौका मिला है। आपने पूछा क्या फर्स्ट टाइम वोटर है, और साथ में ये भी पूछ लिया कि 5 साल क्या करोगे तब मैं वोट करूं। तो एक तो आपकी जागरूकता के लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूं। सबसे पहली बात है कि हम झूठे वादों से बचने का पूरा प्रयास करेंगे, वरना चुनाव आते ही झूठे वादे करने की ऐसी, क्योंकि कुछ लोगों को पता है सत्ता में आने वाले नहीं है तो ये भी दे दो वो भी दे दो फलाना दे दो ऐसा करते रहते जी। मुझे बराबर एक कथा मालूम है, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। एक संत महात्मा थे और बड़े तपस्वी माने जाते थे, उनकी अपनी एक बड़ी पहुंच थी। विदेश में किसी ने उनकी बड़ी तारीफ सुनी होगी तो उसको लगा कि चलो हम भी इनको गुरु बना दें। तो उसने पत्र व्यवहार किया, उनके चेले चपाटी उसको मदद कर रहे थे। वो हिंदुस्तान आया, अब वो भी बड़ा पक्का था, दुनिया के देशों का पानी पिया हुआ था। तो उसने कहा मैं तो वहीं आश्रम में कोई अच्छी रहने की व्यवस्था हो गई। आश्रम वालों को लगा बड़ा विदेश का है, धनी आदमी है, तो 5 स्टार होटल बुक कर दिया उसके लिए और बड़ा अच्छा सूट बुक कर दिया, और वो मंदिर वाले पेमेंट दे रहे थे, ये रहता था। अब वो गुरु बनाने के लिए आया था, उसको गुरु की दीक्षा वगैरह वो विधि करनी थी, लेकिन ये बैठता ही नहीं था। नहीं ऐसा करेंगे आज अच्छा नहीं कल करेंगे, और होटल में मौज कर रहा था। तो फिर वो संत समाज के लोग परेशान हो गए कि ये तो अपना खा रहा है कुछ करता नहीं है। एक बार भी उसको देखो भाई आज लास्ट डे है, फिर गुरु महाराज 6 महीने तक मिलने वाले नहीं हैं, अगर आज ही तुम्हें यज्ञ वज्ञ कर करके पूजा पाठ करके बैठना है तो बैठ जाओ। तो उसका ठीक है अब तो जाने की नौबत आई है तो चलो बैठ जाते हैं। तो बैठ गए, फिर जो गुरु मंत्र देते हैं तो गुरु कान में मंत्र दिया। फिर ये चेले कहने गए अरे भाई तुम्हें दक्षिणा देनी चाहिए, उनको जरा कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। ये हिलता ही नहीं था, बड़ा खिलाड़ी था, विदेश से आया था, तो सारे दबाव डाले अरे भाई तुम्हें कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। 3 हफ्ते से होटल में मौज कर रहा था लेकिन वो दक्षिणा देने के तैयार नहीं था। फिर वो खड़ा हुआ, खड़ा हुआ आगे गुरुजी के कान में कह दिया उसने, फिर बैठ गया। गुरुजी लाल पीले हो गए। तो फिर तो खैर होटल चला गया। फिर चेलों ने पूछा अरे यार तुमने कोई दक्षिणा नहीं दी क्या? अरे क्या बात करते हो, मैंने दक्षिणा दी है। बोले क्या? बोले गुरुजी ने मेरे कान में कहा था कि तुझे मोक्ष दिया, तो मैंने जाके उनको कहा कि तुमको न्यूयॉर्क और वाशिंगटन दे दिया। तो ये जो चुनाव में इन दिनों वादे देने वाले लोग हैं वो बांट रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो मेरी इन सब पहले मतदाताओं से कहना है कि ये जो बातें करते हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, उनके टैप रिकॉर्ड को मत सुनिए, क्योंकि किसी ने उनको फिट किया होता है चाबी भरी होती, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आप देखिए इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने गरीबी के प्रति चिंता व्यक्त की थी, गरीबी दूर करने की बात कही थी। मैं 50-55 की बात कर रहा हूं। उसके बाद उनकी बेटी ने उसको आगे बढ़ाया,
गरीबी को भी बढ़ाया और नारे को भी बढ़ाया। उसके बाद बेटी के बेटे ने बढ़ाया, उसने भी गरीबी बढ़ाई और नारा भी बढ़ाया। गरीबी बढ़ती है और नारा बड़ा होता जाता है। फिर बेटे की बेटी की विड़ो ने रिमोट कंट्रोल से देश चलाया 10 साल, उसने भी आगे बढ़ाया। अब उनके शाहजादे आए, वो भी चला रहे हैं। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, अगर 4 पीढ़ी एक ही विषय को बार बार बोलती जा रही है और करने में कुछ नहीं, तब नए मतदाताओं का काम है कि इस प्रकार का झूठ बोलने वालों को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरा, आपने मुझे कहा कि मैं क्या करूंगा। पहला काम तो मैंने बीच में एक सवाल में कह दिया था कि कुछ लोगों को मैं 2014 में से 2019 तक जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। अब अंदर ले जाने के लिए मुझे टाइम चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। तो मैं आने वाले दिनों में दूसरा काम मेरा यह है कि देश को लूटने वालों के प्रति और ज्यादा कड़क होना और ज्यादा शक्ति बरतना। देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्लब में ले जाना है, एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनना है। देश की शिक्षा को ग्लोबल बेंचमार्क से जोड़ने की दिशा में हमने कदम उठाने हैं। हमने पिछले 5 साल में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 5 साल जब मैं यहां आया तो मैंने कहा था कि मैं आया तो मैंने इतने गड्ढे देखे हैं पूरे अर्थतंत्र में, व्यवस्था तंत्र में, सब जगह पे मेरे 5 साल गड्ढे भरने में गए हैं। अब आने वाले 5 साल उसको भव्य इमारत के बनाने की दिशा में मुझे जाना है। दूसरा, गत पांच वर्ष आवश्यकताओं को पूरा करने को मैंने प्राथमिकता दी। टॉयलेट नहीं है उनको टॉयलेट दो, बिजली नहीं उसको बिजली दो, गांव में रास्ता नहीं वहां रास्ता दो, पानी नहीं वहां पानी पहुंचाओ, रोड नहीं, रेल नहीं, बस नहीं, एयरपोर्ट नहीं, जिसको जिसकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का भरसक प्रयास किया। 5 साल मेरा आवश्यकताओं की पूर्ति को बल देने वाला था। उसमें जो कमी रह गई है उसको पूरा करना है, लेकिन अगले 5 वर्ष का मेरा फोकस आकांक्षाओं को पूर्ण करने का है, एस्पिरेशंस को पूर्ण करना है, आपके ड्रीम्स को एड्रेस करना है। और इसलिए 5 साल मेरी पूरी ताकत, जो कमियां थी उसको दूर करना, जो बुराइयां थी उसको लड़ना, जो तत्कालीन आवश्यकता है उसको पूर्ण करना, उसमें मैंने पूरी शक्ति लगाई है। और नेक्स्ट 5 ईयर जो आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे और मैंने डेट वाइज बताया हुआ है, इधर उधर की बात नहीं है। 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास रहने के लिए पक्का घर न हो। आजादी के 75 साल होंगे, मेरा सपना है हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना हो। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बैंक में जाना है तो इसके मूलभूत ये पहलू हैं जिस पर बल देना है। ऐसे अनेक सपने लेकर के हम चले हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए।